आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इस लेक्चर में बात करेंगे इन वैल्यूट ऑफ हेक्सागन। इन वैल्यूट ऑफ हेक्सागन के बारे में बात करेंगे। इन वैल्यूट ऑफ हेक्सागन, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इसके क्वेश्चन किस प्रकार से रहते हैं। तो चलिए ड्रॉ द इन वैल्यूट ऑफ हेक्सागन ऑफसाइड 50 mm लॉन्ग, ऑल्सो ड्रॉ ऑफसाइड 50 mm लॉन्ग, ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखिए जब भी इन वैल्यूट के क्वेश्चन रहते हैं तो जिसका इन वैल्यूट करने के लिए रहेगा उसका नाम दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे हेक्सागन का इन वैल्यूट करना है, साइड दिया हुआ है 50 mm। उसके बाद जब इन वैल्यूट हो जाएगा तो आपको नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, पूरे कर्व के इन वैल्यूट के उस पूरे कर्व पे कहीं भी आप नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के किसी बिंदु पे। तो आपको पहले इन वैल्यूट करना है किसका, हेक्सागन का भुजा कितना है 50 mm। तो हम लोग जानते हैं जिसका भी इन वैल्यूट करते हैं पहले उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर इन वैल्यूट करते हैं, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, फिर बिल्कुल हम लोग इजी स्टेप में हेक्सागन के इन वैल्यूट को देखेंगे। तो चलिए हम लोग को जिसका इन वैल्यूट कहता है पहले हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए तो इन वैल्यूट कह रहा है किसका, हेक्सागन का। तो हेक्सागन को सर्कल मेथड से बना लीजिएगा। तो सर्कल मेथड क्या कहता है कि जितना mm का आपको हेक्सागन बनाना है उतना mm रेडियस लेके से क्या कीजिए, एक सर्कल बनाइए। तो यहाँ पे हेक्सागन का साइड कितना दिया हुआ है 50 mm, तो 50 mm रेडियस ले लीजिएगा, एक सर्कल बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो जितना mm का हेक्सागन बनाना होता है उतना mm का रेडियस लेके एक सर्कल बनाते हैं। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, जितना mm का हेक्सागन बनाना है उतने mm का रेडियस लीजिएगा। 50 mm का हेक्सागन बनाना है 50 mm को रेडियस लेके एक सर्कल बनाइएगा। जब सर्कल बन जाए सर्कल को हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कर लीजिएगा। सर्कल को हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे 50 mm का हेक्सागन बनाना था, 50 mm रेडियस लिए और एक सर्कल बना लिए। सर्कल को हॉरिजेंटल वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कर लीजिए, कर लिए। अब हॉरिजेंटल बनाना है तो हॉरिजेंटल डायमीटर देखते हैं सर्कमफेरेंस को कहाँ इंटरसेक्ट किया है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है दोनों पॉइंट से हेक्सागन के साइड का आर्क लगाते हैं। हेक्सागन का साइड 50 mm का, 50 mm रेडियस लेके एक सर्कल बनाया है तो उसी रेडियस का 50 mm का ही आर्क एक बार ऊपर एक बार नीचे लगा लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत। फिर आर्क को मिला दीजिएगा, हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार वर्टिकल बनाते तो वर्टिकल से आर्क लगाते लेफ्ट राइट ऊपर से नीचे से, तो वर्टिकल हेक्सागन कंप्लीट हो जाता, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमको हॉरिजेंटल हेक्सागन बना ली क्योंकि इन वैल्यूट कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है हॉरिजेंटल बना, ठीक। चलिए उसके बाद सभी पॉइंट को मिला देंगे तो यहाँ पे हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्कल मेथड से इजी होता है हेक्सागन बनाना, जल्दी बन जाता है, ठीक है। एंगल लेके बनाइएगा, चार बार आपको एंगल 120 120 लेना पड़ जाएगा, फ़ायदा नहीं। इससे इजी मेथड्स में बन जाता है, कोई दिक्कत।
तो जितना एमएम का हेक्सागन का आएगा उतना एमएम रेडियस लेके एक सर्कल बना लीजिएगा। सर्कल को हॉरिजेंटल डायमीटर या वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कीजिएगा। तो जब दोनों हॉरिजेंटल बनाना है तो हॉरिजेंटल से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क कितने का, तो जितना एमएम हेक्सागन का रेडियस लिए हैं या हेक्सागन के जो साइड है हेक्सागन बनाने के लिए जितना एमएम रेडियस लिए हैं या हेक्सागन का जो साइड होगा उतने का आर्क लगाते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो जब हेक्सागन जिसका भी इनवैल्यूट करना होता है पहले हम लोग उसको बनाते हैं। उसके बाद अगला रूल क्या है कि उसके किसी भुजा को उसके परिमिति के बराबर आगे बढ़ाते हैं, किसी भुजा को परिमिति के बराबर आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ग्रीन मार्कर मेरा एच बी है, ब्लैक मार्कर 4H है। तो हम लोग 4H पेंसिल से किसी एक भुजा को उसके परिमिति के बराबर आगे बढ़ा लेते हैं। तो इसका परिमिति सपोज यहाँ पे आपको दिया हुआ है, परिमिति आपको निकालना पड़ेगा। परिमिति कितना है निकलेगा इसका, तो इसका साइड कितना दिया हुआ है 50 mm, तो परिमिति कितना हो जाएगा, तो हम क्या बोले किसी एक भुजा को उसके परिमिति के बराबर एक्सटेंड कर लीजिएगा। तो इसका परिमिति कितना होगा 6 × 50 300 mm होगा। इसको डायमेंशनिंग भी कर लीजिएगा कितना एक्सटेंड किए 300 mm। क्यों 300 mm किए, इसका परिमिति कितना आया 300 mm आया, तो इसको दिखा लीजिएगा 300 mm। तो mm तक नहीं लिखते हैं क्योंकि नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में लिखते हैं, ऑल डायमेंशन आ रहे हैं mm। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक भुजा को भी इसका डायमेंशनिंग कर लीजिएगा, इसका साइड कितना लिए हैं 50, तो 50 इसको भी दिखा लीजिएगा एरो 1:3 में। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला स्टेप देखिए, हम बोले थे कि जिस बिंदु को आप एक्सटेंड किए, पहले इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ, कोई दिक्कत। तो चलिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। जिस पॉइंट को देखिए, इस भुजा को बी ए या ए बी भुजा को एक्सटेंड किए हैं, तो सभी भुजा को एक्सटेंड करना है हमको, ठीक है। लेकिन हर एक बिंदु से उसका दूरी देखेंगे कि जैसे ए को अगर ओरिजिन माने, ए को एक्सटेंड किए हैं ए पॉइंट से उसके परिमिति के बराबर, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूरी देखेंगे कितना दूरी है उतना एक्सटेंड करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि वो भुजा ऑलरेडी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, एक भुजा को एक ही बार बढ़ाएंगे, एक ही बार एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस भुजा को ऑलरेडी इधर एक्सटेंड कर लिए, तो इस भुजा को एक्सटेंड करेंगे तो कितना एमएम करेंगे, तो यहाँ आप देख लीजिए। तो यहाँ से इसका दूरी देखिए 50, तो इसको 50 mm एक्सटेंड करेंगे, कोई दिक्कत। इसको कहाँ तक करेंगे 50 mm। डायमेंशनिंग थोड़ा आप नीचे कीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ किए। चलिए ये भुजा ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया, अब कौन से भुजा करेंगे, इस भुजा को बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते चलेंगे डिस्टेंस को। तो यहाँ से दूरी देखिए 50 50 100, तो इसको 100 mm एक्सटेंड करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए ये भुजा ऑलरेडी हो गया, अब इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इसको कितना एक्सटेंड करेंगे, दूरी देख लिए 50 50 150, तो 150 mm एक्सटेंड करेंगे। इसको कितना करेंगे 150, क्यों 150 किए, तो यहाँ से दूरी देखिए 50 50 100 150, तो ये भुजा ऑलरेडी हो गया। अब कौन सा भुजा होगा, ये वाला होगा, कितना होगा, तो दूरी देख लेंगे 200 होगा, तो इसको 200 mm एक्सटेंड करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए ये भी भुजा हो गया, चलिए अब इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, कितना करेंगे 250 करना पड़ेगा, तो इसको 250 mm एक्सटेंड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। फिर से देखिए जितने साइड हैं सभी साइड को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूरी देखेंगे और वो भुजा एक ही बार एक्सटेंड होना चाहिए, दूसरी बार उसको एक्सटेंड नहीं करना है। देखिए जैसे ए से बी बिंदु है, बी के अलॉन्ग दो भुजा है, एक ये भुजा एक ये भुजा, ये ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, तो इसको करना है, कितना करेंगे, तो यहाँ से दूरी देखेंगे 50, तो इसको 50 एक्सटेंड करेंगे। चलिए बी के बाद सी पॉइंट के देखिए, सी पॉइंट के अलॉन्ग दो भुजा है, एक भुजा ये एक भुजा ये, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इधर हो चुका है, एक भुजा को एक ही बार एक्सटेंड करना है, तो इसको करेंगे, कितना करेंगे 50 50 100, तो 100 mm। चलिए डी पॉइंट को देखते हैं, डी पॉइंट के अलॉन्ग दो भुजा है, एक भुजा एक भुजा ये दो भुजा, तो ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको नहीं करना है, इसको एक्सटेंड करेंगे, कितना करेंगे क्लॉकवाइज में दूरी देखेंगे 50 50 100 150, तो इसको 150 mm। उसके बाद ई पॉइंट को देखेंगे, इसके अलावा दो भुजा है, एक भुजा दो भुजा, तो ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको नहीं करेंगे, तो इसको एक्सटेंड करेंगे, कितना करेंगे क्लॉकवाइज में दूरी देखेंगे 50 50 100 150 200, तो 200 mm एक्सटेंड करेंगे। चलिए उसके बाद एफ पॉइंट को देखिए, एफ पॉइंट के अलावा दो भुजा एक भुजा एक भुजा, तो ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, इसको करेंगे कितना करेंगे
क्लॉकवाइज में दूरी देखेंगे, 50 50, 100 150, 200 250, तो इसको 250 में एक्सटेंड करेंगे, कोई दिक्कत? तो देखिए सभी भुजा जब एक्सटेंड हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब सब भुजा को आप एक्सटेंड कर लीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब HB पेंसिल को कंपास में फिक्स करेंगे, कंपास में पेंसिल को फिक्स कर लिए, प्रत्येक पॉइंट को सेंटर बनाएंगे, प्रत्येक पॉइंट को सेंटर बनाएंगे, जितना पॉइंट सबको सेंटर, और जितना एक्सटेंड किए उसको रेडियस। तो चलिए इसको सेंटर, जितना एक्सटेंड किए ये एक्सटेंड किए, चाहे इसको रेडियस लेके मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए फिर इस पॉइंट को सेंटर, ये एक्सटेंड किए इसको रेडियस, चाहे इसको रेडियस किसी एक को लेके मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब इस पॉइंट को सेंटर, जिसको एक्सटेंड किए उसको रेडियस, चाहे इसको रेडियस किसी एक को लेके मिला लीजिएगा, ऑटोमेटिक वही मिलेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? चलिए अब इसको एक्सटेंड किए, इस पॉइंट को सेंटर, इसको रेडियस, आर्क लेके मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब इस पॉइंट को सेंटर, इसको सेंटर, इसको रेडियस, आर्क लेके मिला लीजिए, ठीक है? चलिए ठीक उसी प्रकार अब इस पॉइंट को सेंटर, ये थोड़ा सा और आगे निकले, आप लोग बिल्कुल कंपास से आर्क ले लेके मिलाइएगा, आपका एक्यूरेट बनेगा। इसको सेंटर, इसको रेडियस, आर्क लेके मिला लीजिए। चलिए अब इस पॉइंट को सेंटर, इसको रेडियस, आर्क लेके मिला लीजिए। तो यही इन वैल्यूड का आपका हेक्सागन का कर्व हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ तक करने में कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं नॉर्मल और टेंजेंट। तो हम बताए थे आपको सर्कल में रेडियस जो होता है नॉर्मल होता है, सर्कल में रेडियस क्या होता है नॉर्मल, फिर वहाँ पे 90 डिग्री पे एक रेखा खींच दीजिए, वो क्या होगा? टेंजेंट। यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, जितना यहाँ पे कर्व ड्रॉ किए सब रेडियस के थ्रू, सब कंपास के थ्रू, तो जितना बार पॉइंट लिए उतना बार सेंटर होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आप नॉर्मल टेंजेंट किस पोर्शन में बना रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक मैं बना रहे हैं उसके लिए सेंटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक मैं बना रहे हैं उसके लिए सेंटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक मैं बनाइएगा तो उसके लिए सेंटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक मैं बनाइएगा सेंटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक मैं बनाइएगा सेंटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक मैं बनाइएगा सेंटर ये होगा। तो सिर्फ ये ध्यान रखना आप बना कहाँ रहे हैं, जहाँ बना रहे हैं उसके लिए सेंटर आपको देखना पड़ेगा। सपोज हमको यहाँ बनाना है, ठीक है, इसको नाम दे दिए क्यू। तो जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उसको सेंटर से मिला लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेंटर अलग अलग होगा सबका, इसीलिए ध्यान रखना है कि आप बना कहाँ रहे हैं उसके लिए सेंटर कौन सा होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? आप बना कहाँ रहे हैं, तो हम यहाँ बना रहे हैं तो इसके लिए सेंटर ये होगा, तो सेंटर से उसको मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ बना रहे हैं तो इसलिए इसको यहाँ से मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। और फिर एक मिल गया, दूसरा 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे, दूसरा मिल जाएगा, ये हो गया आपका टेंजेंट, कोई दिक्कत? नेमिंग भी कर देंगे इसको नॉर्मल और टेंजेंट, उसके बाद नेमिंग भी करना है, नॉर्मल हो गया, टेंजेंट हो गया, उसके बाद इसको नेमिंग कर लीजिए, इसको P1 P2 P3 जितना पॉइंट मिला, सॉरी P3 P4 P5 P6। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था हेक्सागन का इन वैल्यूट कह रहा था, हेक्सागन का इन वैल्यूट कर लिए, नॉर्मल टेंजेंट कह रहा था, नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, आप लोग भी इसी प्रकार ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे हम लोग इन वैल्यूट ऑफ सर्कल का, ठीक है? तो बस इन वैल्यूट का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इन वैल्यूट ऑफ सर्कल, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। आप लोग इसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा, अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा ड्राइंग शीट पे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।